जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, गोलीबारी में दो जवान शहीद, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, लश्कर ए तैयबा ने ली हमले की जिम्मेदारी। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने दी बीजेपी को धमकी, कहा पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की तो कश्मीर में कहीं और सैयद सलाउद्दीन पैदा होंगे, हिजबुल का नेता है सलाउद्दीन। महबूबा मुफ्ती के बयान की चौतरफा आलोचना, बीजेपी ने बयान को बताया आपत्तिजनक, शिवसेना के कार्यकर्ता महबूबा मुफ्ती के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। मुफ्ती को लेकर कांग्रेस ने पीडीपी और बीजेपी को लिया आड़े हाथों, कहा अभी तक साफ नहीं है कि जम्मू कश्मीर पर बीजेपी की नीति क्या है, अपने फायदे के लिए बीजेपी पीडीपी ने किया था गठबंधन। शशि थरूर के बयान के बहाने शिवसेना ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी को 2019 के इंतजार करने की जरूरत नहीं। रांची में मिशनरीज ऑफ चैरिटी केंद्र में बच्चों को बेचने के मामले में आरएसएस की मांग, आरएसएस ने मदर टेरेसा का भारत रत्न सम्मान वापस लेने की मांग की। मिशन 2019 के तैयारियों में जुटे पीएम मोदी, 14 जुलाई को 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम। आज बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सीमा सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री शेख हसीना से करेंगे मुलाकात। अयोध्या विवाद मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पिछली सुनवाई में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पेश की थी दलील, मस्जिद की अहमियत पर रखी थी बात। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान, सरकारी स्कूलों में योग करना होगा अनिवार्य, सभी योग शिक्षक करें नियमों का पालन। गुजरात में भारी बारिश जारी, एनडीआरएफ की 10 से ज्यादा टीमें तैनात, बारिश से बाढ़ जैसे हालात, अब तक 5 लोगों की मौत। मुंबई में बारिश के बाद गड्ढे बने आफत, गड्ढे में पैर फंसने से पीछे से आ रही बस ने युवक को रौंदा, युवक की मौके पर ही मौत। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए आपने जुटाए 153,000 हस्ताक्षर, पार्टी ने कहा इस लड़ाई को बूथ स्तर पर ले जाकर अपने अभियान को मजबूती देंगे। संसद का मानसून सत्र रहेगा हंगामेदार, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे चंद्रबाबू नायडू। अखिलेश यादव और मायावती के शासनकाल में टीचरों की भर्तियों पर उठे सवाल, गड़बड़ी को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रद्द किए 69,000 आवेदन। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और बेटी मरियम की आज होगी गिरफ्तारी, भ्रष्टाचार मामले में जवाबदेही कोर्ट ने सुनाई है 10 साल की सजा, नवाज बोले हम सीधा जेल जाएंगे लेकिन पाक के लिए त्याग कर रहे हैं। विजयमाला के प्रत्यर्पण पर 31 जुलाई को फैसला, लंदन की कोर्ट सुनाएगी फैसला, भारत के बैंकों का पैसा लेकर लंदन भागा है विजय माल्या। पाकिस्तान में चुनावी रैली के दौरान तीसरी बार हुआ आतंकी हमला, जमाते उलेमा के जुलूस के दौरान विस्फोट, वरिष्ठ नेता समेत 4 की मौत, 14 लोग घायल। नॉटिंघम वनडे के हीरो रहे भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव का बयान, टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में स्थान हासिल करने की उम्मीद है। और फिल्म गोल्ड का दूसरा गाना हुआ रिलीज, आखिर मुझको चढ़ गई गाने ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल, 15 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म।